ऑयल जो इंजन के ऑयल यूज़ करना कैस्ट्रोल का, कैस्ट्रोल का तुम देख सकते हो बिल्कुल एंड ओके हैगा। इन मैं स्कैनिंग करके लेके आएगा, तुम देख सकते हो इसकी स्कैनिंग की है सब तो पहला, तो इसकी आ चीज़ की भी मैं टैसटिंग की हैगी। जो तुम भी कैस्ट्रोल का तेल लेने हो तो सिर्फ ये तीन या चार चीज़ें चेक करो। सब तो पहला अपने डब्बे को फड़न का इस तरह तरीका हो, अपन डब्बा यह फुलया हुआ लगना लगे लगना चाहिए। तो उस तो बाद जो जो इसकी आप गूगल के नाल स्कैन करते मतलब गूगल कैमरे के नाल स्कैन करते तो इस आ जो आप बार कोड चेक कर देंगे ये जो कोड वाल्ड निकलना वो निकलना चाहिए। उस तो इलावा ये ढक्कन के उत्ते जो भी चीज़ लिखी होंगी वो स्कैन के दूजे नंबर पर आती है, तो तीजे नंबर पर इस प्रॉपर इसकी डेट वगैरह आँदी है भी किन्ने टाइम से पैक होएगा। उस तो बाद जो इसकी आप सील खोल देंगे तो अपना वर्क हाँ जी, तो पहला भाई दिया मतलब सील कर दें एक बाल सील ये सील बाल सील है नहीं जी क्योंकि गैड टुट चुकी थी मतलब गैड खराब हो चुकी थी, इस करके ये सील नवी लवाई हम दूसरे वाली सील मैं कट देना दूसरी साइड की। तुम देख सकते हो बाल सील निकल चुकी है, ये मैं कर रहा अपने को आ चुके है स्पलेंडर प्लस जो कि 2000 करीबन मॉडल उच्चा मॉडल है न्यू मॉडल है, इसलिए आप चाबी लगाने इन्हें तुम दिखाने प्रॉब्लम की है तो आप मार साउंड इस खोल के देख देंगे भी ये की प्रॉब्लम है, तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन दसेंगे तो ये कारण भी दसेंगे क्यों कर लगे बैड स्मोक। चलो इस खोलना वीडियो तो लैके कसम की वीडियो तक वीडियो में एंड तक देखिए चैनल में करके सबसक्राइब वीडियो लाइक कमेंट से शेयर जरूर कर दें। चलो आप इसको कर देंगे खोल के देख दें भी क्यों क्यों प्रॉब्लम आई है तो की प्रॉब्लम है तो कहड़ा कहड़ा पार्ट्स पैंता है तो प्रॉपर खर्चा भी दसा भी कि खर्चा है इसकी स्मोक हटाने पर। चलो मिलते हैं वीडियो के सब तो पहले यूटिलिटी बॉक्स से सलांसर खोल देंगे, सलांसर तैयार टर्बो का पैप खोलना, टर्बो का पैप खोलने के लिए आप एक आ नट तो दो नट फ्रंट के दिते हैं, इन्हों नटा खोलना पूगा तो देख सकते हैं दो नट फ्रंट के दिते हैं इन्हों खोलते हैं। तो यूटिलिटी बॉक्स के भी नट तक दिखा ये दो यूटिलिटी बॉक्स के आ वाले नट रहेंगे जो इस लगे हुए हैं 10 नंबर के, तुम देख सकते हो कि यूटिलिटी बॉक्स के 10 नंबर के नट उन्होंने खोल देना, तो सलांसर के नट खोलने तो बाद सलांसर को कर देने अड तो इसका आप खोल देने कि मतलब हैड तो सिलेंडर किट खोल के देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ गई। ये वीडियो में एंड तक देखिए चलो आप खोल देंगे। तो पहले मैं एक इस तरह की ट्रे ले ली है, इस मैं सारे जिन्हें भी इसे नट खोलूँगा वो इस ट्रे के सीटूँगा तो प्रॉपर आप खोल देंगे। इस खोलने के लिए सब तो पहले आप खोल देने यूटिलिटी बॉक्स, तुम देख सकते यूटिलिटी बॉक्स के दो नट ने 10 नंबर के, इन्हों खोल लें सब तो पहला यूटिलिटी बॉक्स के एक नट खुलेगा आप यूटिलिटी बॉक्स में कर देता अड तुम देख सकते हो यूटिलिटी बॉक्स अड हो चुके है हमें। इस तो बाद इस खोल देना सलांसर के दोनों 10 नंबर के नट खोल देंगे, नट हो चुका अगर नट गया अगर टुट पाएगा नट लम्बा करवा देंगे। सलांसर के नट हीट होने की वजह टुट रहे हैं तो आप नटा का इलाज करावे नटा पन्ना में लवावे खराब दुबारा दुकड़ा के। आज तुम देख सकते हो सलांसर खोल चुके कि सलांसर का एक नट उ लगे होता 12 नंबर उसमें भी खोलता अब रहे इस नट एक इस आप खोल देने के आवला नट मतलब इसे प्लेट लगी पल गए नट आता इसमें आप खोल देने के तो इसलिए आप कार्बोरेटर के नट भी खोल देने 8 नंबर के। खोल देने इस प्लेटों वगैरह सारा कुछ खोल देने खोलने तो बाद दिखाने नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि टाइमिंग जैन भी ढिल है कि भी लाइक अपना टाइमिंग जैन नहीं पाने पो गया तो देख सकते हो।
दोस्तों तो मैं इसका सारा समान पार्ट्स में क्लीयर कर लिया है, धो लिता गया है। आप इस मैं गोड्स कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, इसे आप देख सकते हैं स्पलेंडर का सारा समान इंजन का मैं धो के रख लिया है। इस आ रहा इसका हैड, हैड का भी मैंने सीटा लगवा लिया ने आई देख सकते हो, हैड दीटा भी लगवा लिया। तो एक इसका आने वाला नट टाइप है ये अपने कढ़वा दिता है, तो आ रही इसकी किट किट का मैंने बोर करवा लिया। तो आ इस आप टाइमिंग चैन यूज़ करनी है कि रोलन कंपनी की आ रही इसदियाँ वाल दियाँ सीलां, तो आ इस मैं वाल कंप यूज़ कर रहा वी कंपनी के आ रहे इस वाल दोनों। तो इसमें आप प्रॉपर कर देंगे फीडिंग, सब तो पहले आप दिखाने हैड की फीडिंग दे, तो हैड तो किट फीडिंग करते हैं। तो ये बैट स्मोक कर रहा है तुम्हें पता ही है, इसमें आप टैमी चैन यदा मैं टैमी चैन का पोर्शन भी खोल चुका है, तो इसका बाकी सारा कम मैं खोल चुका है। तो हम इसकी आप पहला इसमें कर लें चंकी तरह वॉश कर लेगा, वॉश करने तो बाद इसकी आप करा फीडिंग, फीडिंग तुम्हें वीडियो मिल दूगी। तो इसमें बाइट स्मोक की प्रॉब्लम थी तुम देख सकते हो कि ये करंक ढिल देगी। मैं कस्टमर को कहा, कस्टमर कहता मेरे अज इस टाइम बजट ही नहीं है, तो कहते आप करंक का कम फेयर करा लवेंगे। तुम देख सकते हो कि इसका करंक देख सकते हो, इसका करंक ढिल हैगी, जाने कि कस्टमर कहता क्या मेरी बजट ये आप टैमी चैन वगैरह तो बाकी का कम कर रहे हैं कि प्रॉपर। इस मैं कैस्ट्रोल का ऑयल यूज करूँगा, तक दिखाओ आ रहा इसका वर्क पेपर, इसका ब्लू कलर ग्रीन कलर तो सिल्वर कलर का होंगे गा। तो उस तो बाद तेल प्रॉपर जो आप इस तरह कर लिए तो येल का जमा ही क्लीयर हो जाती है कि लाइन, तुम देख सकते हो लाइन जमा क्लीयर हो चुकी हैगी। चलो इसका आप कर देंगे हैड फिटिंग, हैड फिटिंग तो बाद दिखाओ। दोस्तों इसे आप लगाने रिंग पहले सब तो पहले इसकी एम बना के इन साइड से लगाने तुम्हें पता ही है, जिस तरह कि मैं आम लगा रहा गल रिंग, मैं सारे मोटर सेम रिंग उस तरह ही यूज़ कर दाँगा जिस तरह मैं एक मोटर यूज़ करदा। वीडियो देख के ना सब चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दिया करो, ताे तक सारे तरह की नॉलेज पहुँच सकेगा करे, बिल आइकन जरूर अपला करो। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत आती है तुम्हें पता ही है, वीडियो में तुहाडे लई टाइम कढ़ के पूरा प्रॉपर टाइम कढ़ के वीडियो बनाउणा गा। अपना पिस्टन हो चुके गा तैयार, हुण आपां कर देंगे हैड की फीडिंग। ओरिजिनल वाल सीलां यूज तुसीं देख सकते हो, पैकिंग नूं आपां खोल लैणे आ, पैकिंग खोलण तों बाद इहनां नूं ऑयल लगा के आपां वाल सीलां लगाउंदे आ।
अपने बाल हो चुके हैं फिट। इस तो बाद आँदी है बारी रोकर, रोकर लगाने गे। रोकर ऑयल में पहले ही लगा लिया था, इन्हें ऊपर लगा देने हैं। क्योंकि अपन अपने ऑयल का प्रयोग बाद कर देंगे, क्योंकि यह काउंटर के उत्ते ना ऑयल ऑयल होजूगा नहीं, इस करके मैं ऑयल नहीं लगा रहा। इतने सुखा ड्राई फिट कर रहा, नहीं सू पता था दिखने भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ऑयल इसमें आप बाद पसंद अगे दे देवे, तुम देख सकते हो इसमें आप प्रॉपर फीडिंग कर लेंगे। खास करके आप मैं लगा एक तरीका इस पास जिधरे पास चूड़ी आ हमेशा बाले पास रखो तो बाकी लगा दो। यह अपना हो चुका है फीडिंग प्रॉपर, तो हम इस पर लगाना है केम। यह रही इसकी केम, इस पर लगा देंगे। केम लग चुकी है, केम लगन तो बाद आप इस कर दें ट्रैक्टर की सैटिंग। ट्रैक्टर वर्क करते समय अपन थोड़ी जी लूज छड़नी पैंदी ने, इस करके लगाने न्यू जैन लगाने तो बाद लगाने देते।
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੋ ਨਾਟ ਇਸਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿੰਗ ਵੀ ਪਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਲੰਸਰ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕਵਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੈੱਡ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਸਮੋਕ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਮਗਲੈਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੇ ਸ਼ਟ ਆਊਟ।